अभी तक बहुत ज्यादा बुरा हाल है। बाकी स्टूडेंट्स की कि एजुकेशन पे और इन्वेस्ट करें। गारंटीज तो हर इलेक्शन में दी जाती है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होगी, हर सरकार बोलेगी हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन वो किया नहीं जाता है। आपने आसपास में जितने युवा देखे हैं वो यही बोलते हैं कि हमको वोट ही नहीं देना है, कि वोट देके क्या होगा, हमें तो कुछ फायदा होता नहीं है, युवाओं को कोई रोजगार देते नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पर्याय है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, हिमाचल सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सलीके, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पढ़कर अपना नाम देश विदेश में रोशन किया है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और गिरते तापमान के बीच सियासी पारा लगातार चढ़ता चला जा रहा है। इस समय हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जो अलग अलग विभागों में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और साथ ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के। मेरा नाम शगुन गोस्वामी है, मैं कांगड़ा विधानसभा से बिलोंग करती हूँ। मेरे हिसाब से तो हेल्थ सेक्टर का अभी तक बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे एरिया का वही है। हिमाचल में दो ही हैं, एक IGMC और एक टांडा है, तो वहाँ पे लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए 2-2 महीने तक वेट करना पड़ता है, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं है, आए तीन दिन इनकी जो मशीनें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से हेल्थ इज़ द बिगेस्ट। आप बताइए क्या मुद्दे हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव के, कैसे रहने वाला है इस बार, हवा किस तरफ चल रही, कांग्रेस, भाजपा या फिर तीसरा मोर्चा भी, आम आदमी पार्टी? जी, हवा तो देखिए क्या ही बता सकते हैं कि हर पार्टी अपनी अपनी वो लेके आ रही है कि हम ये देंगे। जैसे OPS का मुद्दा चला है तो कांग्रेस ने बोला है कि हमारी सरकार को वोट दो तो हम लाएंगे। भाजपा ने भी अभी केंद्र सरकार से वो करा है कि मंजूरी की OPS को लाया जाएगा। फिर जहाँ आम आदमी पार्टी का, तो उन्होंने भी पंजाब में लाके वो भी बोल रहे हैं कि हाँ लाएंगे। एक ये हो गया जैसे इन्होंने कहा कि हेल्थ का, हाँ वो भी कि मतलब और फैसिलिटीज़ को अच्छा किया जा सकता है, चाहे कोई भी सरकार हो वो हम कि मतलब हेल्थ सेक्टर है वो अच्छा हो, बाकी स्टूडेंट्स की कि एजुकेशन पे और इन्वेस्ट करें। तो पार्टीज गारंटी दे रही हैं, क्या लगता है कोई गारंटी पूरी भी होगी या फिर सिर्फ खोखले वादे तो नहीं लगते हैं युवाओं को? गारंटीज तो हर इलेक्शन में दी जाती है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होगी, हर सरकार बोलेगी हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन वो किया नहीं जाता है। जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो ब्लेमिंग गेम ज़्यादा चल रहा है कि एक सरकार दूसरे पे ब्लेम कर रही है, दूसरी सरकार किसी और पे ब्लेम कर रही है कि हाँ उन्होंने अपने टाइम पे ये नहीं किया, लेकिन कोई भी सरकार मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से जो भी वो वादे और गारंटीज देती हैं वो कंप्लीट कर पाती है। OPS का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा, इतने टाइम से धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं उसी टाइम पर क्यों सबको याद आ रहा है कि OPS इंप्लीमेंट कर देंगे, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल में इतना बड़ा मुद्दा है हमेशा से, यहाँ पे हिमाचल में हमेशा ऐसा रहा है कि लोगों को रोजगार पाने के लिए हिमाचल छोड़ के, अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे नौकरियां यहाँ पे क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे क्यों नहीं हो रही उस तरीके। क्या मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के, किस ओर हवा बह रही है, युवा किस ओर जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, युवा तो बेसिकली यही सोचता है कि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे, उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। तो जिस टाइम पे इलेक्शन शुरू होते हैं उस टाइम तो सब पार्टियां बोलती हैं कि हम ये करेंगे युवाओं के लिए, वो करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये देखने को मिलता है कि 5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है और इलेक्शन के टाइम पर ये मुद्दे उठाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो लोग करते हैं तो युवा भी उनके साथ ही होंगे, वो इलेक्शन देंगे, वोट में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने आपने आसपास में जितने युवा देखे हैं वो यही बोलते कि हमको वोट ही नहीं देना है, कि वोट देके क्या होगा, हमें तो कुछ फायदा होता नहीं है, युवाओं को कोई रोजगार देते नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिले तो वो भी इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला।